हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और ज़रूरी भी होने वाला है जो कि 1 जनवरी को वृंदावन धाम आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते से होकर के वृंदावन धाम लेकर के जा रहा हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो लोग वृंदावन धाम के हैं, मथुरा के हैं, उन्हें इस रास्ते के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अभी हम वृंदावन के यमुना जी के इधर की साइड हैं, यानी कि उस पार हैं, केसी घाट की तरफ हम निकलेंगे, पुल क्रॉस करेंगे। और ये पुल जो है अस्थाई है, यानी कि ढोल वाला पुल है। ये यहाँ की स्थानीय भाषा में इस पुल को ढोल वाला पुल बोलते हैं। तो यहाँ से हम निकल के जाएंगे और वृंदावन के खूबसूरत नज़ारे आपको देंगे। साथ ही साथ वृंदावन की हर अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि कैसा मौसम है अभी फ़िलहाल, कितनी भीड़ है वृंदावन में और कौन कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है जब आप वृंदावन धाम घूमने के लिए आओ। तब इधर आप देख सकते हैं यमुना मैया बह रही है और सामने आप देखेंगे तो ये वृंदावन के बहुत ही प्राचीन घाट हैं और मंदिर हैं। आप देख पा रहे हैं कोहरा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से साफ से दिखाई नहीं दे पा रहा है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं जहाँ से होकर के हम गुजर रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर वृंदावन धाम का विशाल कुंभ मेला लगाया गया था। और हम इसी रास्ते से होकर के जाएंगे और अभी हम परिक्रमा मार्ग में सीधे निकलेंगे और परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराते हुए आपको वृंदावन धाम के सभी अपडेट देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं। तो हम आ चुके हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में और अब हम अटल्ला चुंगी की तरफ जा रहे हैं केसी घाट से वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। तो अब हम आपको पहले तो बताएंगे कि वृंदावन धाम अगर आप आ रहे हो 25 तारीख से लेकर के और 5 जनवरी तक वृंदावन धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो 25 तारीख तो निकल चुकी है और आज लगभग है 30 तारीख है, तो 5 या 10 जनवरी तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है वृंदावन धाम में। तो आपको सबसे पहले सावधानी ये बरतनी है कि आपको गर्म कपड़े पहन के आने हैं और अपने होटल पहले ही बुक करवा लें। अगर आप आ रहे हो तो ऑनलाइन पहले ही अपने होटल बुक करवा लें, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी और आपको होटल मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं तो उनको लेकर के ना आएँ, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। हर मंदिर में लगभग भीड़ होगी। और अगर आप बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के उद्देश्य से अभी आ रहे हो तो कृपया करके अपना जो प्लान है उसको बदल दें, क्योंकि इस वक्त आपको बांके बिहारी मंदिर के दर्शन होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम चांस हैं, क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं दर्शन के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी 4 दिन पहले की ही न्यूज़ थी कि 2 महिलाओं की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी वृंदावन धाम के बांके बिहारी मंदिर में। तो बहुत सारे हादसे ऐसे हो रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें, बुजुर्ग महिला हों वो नहीं आएँ और जो पैदल नहीं चल सकते हैं वो भी ना आएँ, क्योंकि जो वृंदावन के प्रवेश द्वार हैं, जितनी भी रोड हैं जहाँ से आप वृंदावन में प्रवेश कर सकते हो, वहाँ से ऑटो, ई रिक्शा और बस वगैरह, यानी कि सारे जो वाहन हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, अंदर वृंदावन में नहीं आ पाएंगे। तो आपको पैदल ही मंदिरों तक का सफ़र करना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। और दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो आप। तो आप अगर अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो कृपया करके ना आएँ, क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाओगे आप और 4 से 5 घंटे का समय आपको ट्रैफिक में बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, सेव कर लें, लिख लें अपनी किताब में, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी झूठ आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि वृंदावन धाम का ब्रजवासी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। और आप मेरी बात से सहमत हों तो ही मेरे जो बताई हुई बातें उनको फॉलो करना, नहीं तो मत करना, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये है वृंदावन का परिक्रमा मार्ग और बिल्कुल शांत पड़ा है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है और हम बाइक से निकल रहे हैं, हम पैदल परिक्रमा मार्ग में नहीं जा रहे हैं, हम परिक्रमा लगाने के उद्देश्य से नहीं आए थे, हम वृंदावन की अपडेट देने के लिए आपको यहाँ आए हैं। और दूसरी बात, हम ठंड की बात करें तो वृंदावन धाम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस वक्त और कोहरा भी काफ़ी कट रहा है, सुबह शाम को कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो परिक्रमा जो लगाई जाती है वो नंगे पैर लगाई जाती है, तो अगर आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आप सॉक्स पहन लेना, मोजे पहन लेना, परिक्रमा लगा सकते हैं, बिल्कुल नंगे पैर से परिक्रमा नहीं लगाना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये वृंदावन धाम के अद्भुत दर्शन हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी लोगों तक पहुँचा देना, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी आने वाले हैं वृंदावन धाम, है ना, घूमने के लिए नए साल पर, तो उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपको, गर्म कपड़े जरूर लाना, अपने साथ में कंबल जरूर लेके आना अगर आपने होटल बुक नहीं किया है तो,
एक बिछाने के लिए कोई पॉलिथिन लाना, एक कंबल जरूर लाना, ताकि आप कहीं पे भी मंदिर में शरण ले सकें अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो। बाकी आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लेना तो ही आपके लिए सही रहेगा। टिकट अभी से बुक करवा लेना, क्योंकि ट्रेन में भी टिकट आपको नहीं मिलने वाली है, और बस से आओगे तो बस से भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। अभी भी वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो परिक्रमा अभी भी लगा रहे हैं। और हमारा पिछला वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा है मैं नहीं जानता हूँ, जिधर से हम अभी आए थे यमुना के पल्ली पार से, उधर एक लक्ष्मी माता का बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर लक्ष्मी मैया अभी भी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर रही हैं, क्योंकि उन्हें वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं मिला था। उनका मानना था कि वृंदावन में प्रवेश वही कर सकता है जो धन दौलत मोह माया से त्याग कर करके आएगा, क्योंकि वृंदावन धाम श्री प्रेम का प्रतीक है श्री जी और ठाकुर जी के, तो इसमें मोह माया और ईर्ष्या का कोई काम नहीं है। इस वजह से लक्ष्मी मैया को इसमें प्रवेश नहीं मिला था, तो वो उस पार ही बैठ गई थी, श्री कृष्ण की आराधना करने लगी थी, और वहीं से उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद बनाया था, जो कि यमुना जी की सहायता से उन्होंने वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, कल ही हमने वो वीडियो अपलोड किया है, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें मिलेगी, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लेना। अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि वृंदावन धाम में अभी आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो मैं अपनी पर्सनली फीलिंग बताऊँ तो इस वक्त आप वृंदावन में ना आएँ तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आपको वृंदावन धाम में। अब बात कर लेते हैं खाने की, कि आपको खाना कहाँ पर खाना है वृंदावन धाम में। तो देखिए वृंदावन धाम में देखो दो तीन जगह ऐसी है, एक तो है वृंदावन धाम में पड़ने वाली, वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाली है एक तो जगन्नाथ रसोई है, वहाँ आपको 20 रुपये में भरपेट भोजन खिलाया जाता है। एक श्री जी की रसोई है, वहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में भोजन कराया जाता है, वो 2 बजे से लेकर के 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको भोजन मिलता है, तो आप वहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। और प्रेम मंदिर के सामने जितने भी ढाबे हैं वहाँ आप सोचोगे वहाँ आप भोजन कर लोगे तो वहाँ पर आपको कम से कम घंटों वेट करना पड़ेगा खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी उधर, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप देख लेना कुछ ऐसी जगह पर खाना खाना जहाँ पर भीड़ कम हो, क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और आपके साथ में बच्चे आएंगे, बुज़ुर्ग लोग आएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या आपको हो जाएगी। और इधर देख सकते हैं बहुत सारे आश्रम भी हैं जहाँ पर आप अच्छे से रुक सकते हैं, पर दिक्कत यही आती है कि सभी जो रूम्स होते हैं वो पहले से बुक हो जाते हैं, और जो आश्रम वाले धर्मशाला वाले होते हैं वो अपने पहचान वालों को पहले रूम दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और जो अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं उनसे मैं विनम्र हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वो अपनी खुद की गाड़ी से ना आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगने वाला है वृंदावन धाम में आने वाले दिनों में। यहाँ देख सकते हैं आप, अब हम मथुरा की तरफ मुड़ गए हैं परिक्रमा मार्ग में से, अब हम मथुरा की तरफ मुड़ गए हैं, और ये देख सकते हैं मथुरा की तरफ से आओगे तो यही वाला आपको द्वार देखने के लिए मिलेगा। तो मथुरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और साइड में देख सकते हैं दीवालों पे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत आपको देखने में लगेगा। तो वृंदावन धाम अगर आप आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका खास ध्यान रखना है। मौसम काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जहाँ से हम अभी मुड़े थे यहाँ से आगे ऑटो नहीं जाएंगे, 1 तारीख को आप सोच रहे हो कि ऑटो से आप वृंदावन धाम घूम लेंगे तो नहीं घूम पाएंगे। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।